अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाज़रीन, हमेशा मैंने आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी शख्सियत से कराई है जो अपनी ज़ात में एक मेहबर थे और मुनकरी शख्सियत के मालिक थे। आज एक बहुत ही मुनकरी शख्सियत हमारे साथ हैं। वो एक नन्हे मुन्ने फरिश्ते से बच्चे हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं और मतलब जो भी हैं बहुत सारी खूबियाँ हैं। मैं 1, 2, 4, 6 बयान करूँगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइए उस बच्चे से मुलाकात करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा बच्चा, बहुत ही समझदार और बहुत ही लाइक माँ बाप का लाइक बच्चा, जिसका नाम है मोहम्मद तलाल, मोहम्मद तलाल इरफान। उनसे हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल, कैसे हैं आप बेटा? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, कोई 50 साल के, कोई 30 साल के, कोई 20 साल के, आज हमने छोटे से बच्चे को बुलाया, मासूम से फरिश्ते को, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बड़े लोग इंटरव्यू देते हैं, आज मैं भी दे रहा हूँ इंटरव्यू। हाँ इंशाल्लाह, बड़े लोगों की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छे हैं। तो बेटा, हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी थी किसी से, फिर किसी और ने भी बताई, हमने कहा इस बच्चे को बुलाया जाए अपने चैनल पर। कोई बात नहीं, ये आपका हक है। तो हमने कहा इस बच्चे से ना प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि इस बच्चे में क्या क्या खसूसियात हैं, हमारे नाज़रीन भी देखें कि मासूम बच्चों के जहन में क्या होता है और आज की जो हमारी जनरेशन है वो आगे जाके क्या करना चाहती है। तो बेटा, आपने सुना है कि अपना चैनल भी बनाया है। जी, टेक्नोलॉजी बनाई। अच्छा, आप ना हमारे नाज़रीन की तरह उन बच्चे बताएँ कि आपने जो चैनल बनाया उसकी क्या खसूसियात हैं और कितनी जो वीडियो है ना वो आपने अपलोड कर दी और उसमें आप क्या बताते हैं? जी, मेरा एक कंटेंट है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। मैंने अपने चैनल का नाम सोच के रखा क्योंकि मुझे एडिटिंग आती है, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, मैं भी से इन चीज़ों में जो है ना इंटरेस्ट लेता हूँ। जो जब मैंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, जैसे वो एक पायलट था यानी छोटा बच्चा था, सुना होगा उसको पायलट का शौक था, एक दिन वो उसमें चला गया छोटा था। तो इसी तरह मेरे फादर ने भी क्या किया कि मुझे कंप्यूटर टैबलेट्स ला के दी, जिससे फिर मैं अब कंप्यूटर आपको पता है जिससे एडिटिंग होती है वो मैं एडिटिंग माशाल्लाह सीख चुका हूँ, बस थोड़ी बहुत रह गई जो मुझे नहीं आती, वो भी इंशाल्लाह सीख जाऊँगा। तो जो मुझे आता है ना वो मैं अपनी पब्लिक को शेयर करता हूँ क्योंकि देखें बाहर के लोग फेक बताते हैं, कुछ लोग तो फेक ही वीडियोज़ बना के डालते हैं और कुछ सही बना के डालते हैं। तो मैं जो है ना हर चीज़, अब अगर मैं कहूँ कि ये एडिटिंग है ठीक है, इसे आपने करना है और कुछ लोगों के पास ना हो, पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करता हूँ अपनी डिवाइस पे, बाद में मैं जो है बताता हूँ, क्योंकि इस तरह से तो फिर नहीं चलता ना। अब मैंने देखे, मैं सबको बताता हूँ कि जो हमारे एडिटिंग है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम फ्री में कैसे अनलॉक कराएँ। जी, और वैसे तो अभी मैंने अभी 4 वीडियोस मेरी नहीं तैयार हैं बिल्कुल, बस उन्हें एडिट करने में आपको पता है टाइम लग जाता है, तो मैं एडिट कर लेता हूँ लेकिन अब वो आपको पता है 4 हैं। मैंने अपना ना टिकटॉक भी बनाया है। अच्छा, आप टिकटॉकर भी हैं? जी, टिकटॉक में मैं पहले यानी मैंने यूट्यूब के स्टार्ट से ही टिकटॉक यानी यूट्यूब के स्टार्ट से पहले टिकटॉक बनाता था, उसमें मैं फनी वीडियोस क्रिएटिंग करता था, सेट करता था और पोएट्रीज करता था। तो लेकिन फिर जब मैंने चैनल का सोचा आइडिया तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना हम अपने टिकटॉक पर भी प्रोमो डाल दें। तो मैं हर अपनी वीडियो के एंड में बता देता हूँ फ्रेंड्स को कि ये मेरी टिकटॉक आईडी है, आप इसे जाके फॉलो कर लें ताकि आप मेरे ट्यूटोरियल्स और प्रोमो देख लें। इंस्टाग्राम पर भी मैं डालता हूँ लेकिन जैसा है कि इंस्टाग्राम पर टाइम नहीं मिलता। अब अगर आप देखें ना तो हर वक्त वीडियो तैयार होती है मेरे पास। अब जैसे कि पहली वीडियो जो है मेरी वो मैंने यानी अभी तक 12-13 वीडियोज़ हैं लेकिन सारी काम की है, कोई भी ऐसी ना फेक है ना। अब सिक्योरिटी हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बच्चे को नज़र ना लगे कितना टैलेंटेड है, और अभी से आप उसका जज्बा देखें। मैं अब इनकी क्लास पूछने जा रही हूँ कि किस क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छा बेटा आप बताएं किस क्लास के स्टूडेंट? जी मैं सिक्स क्लास में। देख लें नाजरीन, सिक्स क्लास का स्टूडेंट है और पाकिस्तानी बच्चा है ये, और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना टैलेंटेड है। और बेटा आपकी क्या मसरूफियात है? बस अब लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में भाई जो हमारा वजन है वो गेन होता है। अच्छा, वाह वाह। नहीं सही में गेन बहुत होता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब हम सारा दिन सुस्त होके सोएंगे, खाएंगे, वापस सो जाएंगे, थोड़ी सी वीडियोस बना के एडिट कर लिया, ना कोई वॉक होगी ना कुछ होगा, तो हम तो फिर घर में ही ऐसे गेम करते रहेंगे अपना। अच्छा, तो ये लॉकडाउन में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। बहुत क्यों? मजा लॉकडाउन में देखे ऑनलाइन क्लासेस हुई, जहाँ तक मेरा स्कूल है उसने बहुत अच्छी हाईली की, यानी पूरी कोशिश तब की है कि स्कूल खोलें। सुना आप खोल रहे हैं स्कूल? अच्छा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल खोले हैं। स्कूल जाओगे क्या? हाँ जी, स्कूल जाऊँगा, वहीं शरारतें, यानी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खेलूँगा मैं। तो अब जैसे कि आप देखें, अब हर बच्चा पहले तो सारे बंदे क्या सारे बच्चे भी खुश थे, लॉकडाउन हो गया अब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर कुछ माँ बाप सब रोने लग गए, स्कूल की याद आती है। हर बार मैं जब कोई टिकटॉक पर वीडियो देखता था ना, सारे बंदे, यानी जो वो आपने देखा होगा कोई ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी उसमें लिखा होता है, या बंदा बना हुआ होता है उसमें लिखा आता है, वो मस्तियाँ, वो शरारतियाँ। फिर गाना भी था इसका, तो नहीं मैंने सिंगिंग में इतना अच्छा नहीं। अब जैसे कि अब मैं जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ठीक था, लेकिन कभी कभार आपको ऐसा, आप लोग तो बड़े हैं, यानी आप बड़े हो गए हैं, तो आपको कभी अपने स्कूल की याद नहीं आती? आती है, याद आती है। वो मेमोरीज देख के हाँ याद आती है, हम नालायक किस्म के वो स्टूडेंट याद आती जब हम काम भी करते थे छुप के, मिस भी टीचर ना देखे, हाँ। सबसे पीछे जाके बैठ जाते थे, और हाँ। हमारे टीचर भी ऐसे सियाने थे, वो हमारा नाम लेके हाँ। हमें आगे बिठा लेते थे, आओ मलका आगे आके बैठ जाए। यही होता है, फिर जब वो आपका जो एक दोस्त और आपको डांट पिटवाए वो आपको घर पे, उसमें कितना मजा आता है। हाँ। जब आपका दिल करता है उस दोस्त से बात करने को के नहीं? नहीं, अब मैं आजकल कैसे किसी भी नई दोस्त से बात कर पा रहा हूँ। जल्दी से स्कूल खुल जाए, फिलहाल जो है स्कूल जाए, अपने दोस्तों से मिले। लेकिन स्कूल वालों ने एक चीज कर दी है कि कोई ब्रेक नहीं होगी, कोई बंदा बच्चा खेलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, साथ तो होंगे ना सारे, एक होगा कि हाँ भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे दोस्त से बातें कर लेंगे थोड़ी। जितना मजा देख, यानी जितना मजा देख कर उसके पास बैठ कर आते हैं ना, उतना मज़ा आपको ना किसी वीडियो कॉल पर था। अब तो अमीर के अमीर भी बंद हो गए। क्या बंद हो गए? अमीर, सारे अमीर ना। हाँ। वो देखे पहले तो वो हर जगह निकलते थे, पर अब वो भी नहीं निकल सकते। अमीर भी नहीं निकलते हैं ना जी, और भी बहुत लोग नहीं निकलते, अब तो मुल्क से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो मुल्कों में फंस गए वो वहीं फंस गए, ऐसे ही है ना। अच्छा तलाल ये बताओ बेटा कि आगे जाके आपके क्या ख्याल आते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? शक्ल ने वायरल होना है या शक्ल ने होना,
तो फिर मैंने अब यही सोचा है कि अब अपनी जो, लेकिन अभी उसके लिए ट्राईपॉड लेना होता है और वो मैं ले लूँगी इंशाल्लाह। तो फिर वो ट्राईपॉड को एक जगह सेट करके कैमरे को और स्टार्ट कर दूँगा, जिससे फिर मैं अपनी वीडियोस यहाँ पर एक एडिटिंग डाल दूँगा। एडिटिंग की ही आजकल दुनिया, आपको पता है, मैं अगर हम हैकिंग की बात करें ना, हैकिंग तो 1 मिनट में हो जाती है। किसी का व्हाट्सएप भी जो है ना 1 सेकंड में खुल जाता है। लेकिन आपको पता है, दुनिया का व्हाट्सएप वाले कहते हैं कि कोई भी नहीं व्हाट्सएप को तोड़ ही नहीं सकता, तो उसका वेरिफिकेशन भी तोड़ देते हैं। लेकिन मैंने अभी जो अपनी नई वीडियो का इंट्रोड्यूस कराया है, उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो टिकटॉक पर प्रोमो डाला है उसमें मैंने ये डाला है, एक ऐसा मेरे पास व्हाट्सएप है जिस व्हाट्सएप क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, अब जो व्हाट्सएप है ना उसमें वो सिक्योर है, हर चीज सिक्योर है। कोई कोई मैं कह रहा हूँ, कोई दुनिया का टॉप किस्म का भी हैकर है ना, वो नहीं खोल सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कोई खोल ले, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे इतना नहीं इंटरेस्ट। लेकिन अभी मैं आपको यही बताना चाह रहा था, अब मैं कहती हूँ तो आपको अपना दिखाऊँ क्या सिक्योरिटी है। नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, प्रोग्राम के बाद में। यस, ठीक है ठीक है, अभी तो हम आपसे बातें कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताएं, एक होती है मामा, एक होते हैं पापा, आपके आइडियल पापा हैं या मामा, ये बताएं। आपने सवाल बहुत मुश्किल पूछा है, पर जवाब भी बहुत ही आसान है। अच्छा बताएं जी। देखें, अब घर पैसे कौन कमा के लाता है? पापा लाते हैं। तो ऑप्शन क्या हुई? पापा। बाबा ही, बाबा जो है ना वो एक आइडियल, उन्हें पता है कि हमने क्या चीज़ कैसे लिमिट, कौन सी लिमिट में खरीदनी है। अच्छा। हाँ जी, अब देखिए ना, हम अब मैं ये काम नहीं कर सकता कि 5-5.5 हज़ार का ट्राईपॉड दे दो, उतना लो अगर। वैसे भी मैं तो अपनी जो टिकटॉक है वो भी ट्राईपॉड से नहीं बनाता, उसका सलूशन मैंने निकाला। सोल्यूशन ये है कि अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर कोई तकिया होगा, ये देखें ये चीज़ है, ये टेबल है, तो टेबल के साथ मैं उसको एक बार ज्वाइन कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा पीछे बैक होके अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो इसी तरह से, लेकिन अब आजकल आप देखें हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। पहले टेक्नोलॉजी यहाँ होती थी, अब देखें यहाँ पर। तो इसका मतलब है आपकी तरक्की में आपके पापा का हाथ है, उन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके दी हैं, लैपटॉप लेके दिया है, और जो जो आप चीज़ों की डिमांड करते हैं वो पापा ने आपको लेके दी है। जी देखें, अब अगर मैं आपको, बाबा जो हैं उन्होंने, हालांकि बाबा के जो हर, देखें अब ये जो फ़ोन है ये आप देख रहे हैं, ये बाबा ने मुझे दिला के दिया नया फ़ोन। नाज़रीन देख रहे हैं बाप का कितना लाडला है और बाप से ये बच्चा कितना प्यार करता है, क्योंकि बाबा बाबा कर रहे हैं, मामा तो आपने कभी नहीं किया, ये तो बुरी बात है। अगर देखे ना, अगर बाबा ये सारी मुझे चीज़ें ना ला के देते तो सोचे मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी ना जाता, मैं आपके पास भी ना आता। ये तो बात है, देखे ना, ये बच्चा अगर पहुँचा है किसी वजह से हमारे पास आया ना। और वैसे भी माँ बाप का ही हाथ होता है अपने बच्चों को एक तालीम पहुँचाने में। अब देखे ना, माँ बाप का हाथ होता है अपने बच्चे को हाई लेवल पर पहुँचाने में। अब सोचे हैं माँ बाप बचपन में, आपके मामा पापा आपके बचपन में कितना, यानी $5 था, आप इतना ज़्यादा डॉलर ट्रिलियन खर्च करते थे। तो बड़े हो गए, जब वो हमें हाई लेवल पर पहुँचा दे तो हमारा भी तो काम होता है ना कि उनको कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं, ताकि वो खुश हो जाए। उन्होंने हमसे कौन सा कहा, भाई हमें $10 दे देना, नहीं नहीं हमें 10 ट्रिलियन दे देना। उन्होंने तो कहा है पढ़ लिख के कुरान की तालीम हासिल करके अच्छी जॉब करो, माँ बाप ऐसे खुश हो जाते हैं। अच्छा वाह। अच्छा ये जो बातें आप खुद से करते हैं या आपने किसी से सीखी हैं? सवाल आपका अच्छा है, इसी में ही जवाब भी है। मैंने बातें सीखी नहीं, अब एक तरबियत होती है, ये अच्छा इंसान ये बुरा इंसान, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? अच्छे इंसान की। जाहिर सी बात है, अगर आपके माँ बाप अच्छे इंसान होंगे
आपका उनका स्थान भी तो स्थानीय डॉक्टर अच्छा इंसान होगा ना, बच्चा होगा, बच्ची होगी, ये सब असल में हमें मैंने तो तालीम ने सिखाया। कुछ तो बेचते लेकिन तालीम कैसे हुई, मामा बाबा ने पैसे खर्च किए, तो असल क्रेडिट तो माँ बाप को मिलता है। माँ बाप। अच्छा, तो मामा आपका कितना ख्याल रखती है ये बता। मामा रखती है मेरा ज़्यादा ख्याल, ज़्यादा रखती है। अब बाबा मेरे से बहुत कम बात करते हैं लेकिन करते ज़रूर हैं जी। मामा इसलिए ख्याल रखती हैं ज़्यादा क्योंकि मैं मामा के साथ रहता हूँ, और फिर कभी कभार कोई बाबा मुझे जो है जिद मैं करूँ ना माने तो मामा मना लेती हैं, लेकिन फिर भी ना माने तो, लेकिन एक कोशिश की तो थी ना मम्मा ने भी। मम्मा मुझे मज़े मज़े के खाने बना के देती हैं, बाबा को आपको पता है बाबा को हर दुनिया का खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, बाबा भी खाना बना लेते हैं। हाँ जी, बाबा बहुत अच्छा बनाते हैं, खाइएगा आप किसी दिन हमारी तरफ आइएगा ना। अच्छा, जब बाबा होंगे ठीक है तो मैं आपको इतना लजीज खाना खिलाऊंगा ना, आप उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी। जबरदस्त। अच्छा बेटा, आपकी तालीम का भी पूछ लिया मैंने और आपके आगे ख्याल भी मालूम कर लिए। कुरान शरीफ की भी तालीम हासिल कर रहे हैं आप जी? कहाँ तक पहुँचे हैं जी? मैं हिफ्ज कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। चलो बेटा, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई नाज़रीन। माशाल्लाह आपने इस बच्चे के ख्यालात देखे। आप लोग भी दुआ को होइएगा कि ये बच्चा आगे जाके बहुत तरक्की करे, और इस बच्चे को देख के जो भी बच्चे हैं जो मतलब नालायक तरबियत में हैं, अल्लाह ताला उनको भी अकल शऊर दे। और हम चाहेंगे कि तलाल हमारे सेट पे है आज, ऐसे कई तलाल इस सेट पर आए और अच्छी अच्छी बातों से लोगों को मुस्तफीज करें। ठीक है, देखें जो अगर अब आपने, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, इससे पाकिस्तान हमारा पहले बहुत अच्छा होता था हमारा। अब आप अगर देखें, मैं अगर मोबाइल लूँ तो आपको यहाँ पर कितने का मिलेगा मोबाइल? बेटा मुख्तलिफ प्राइस हैं, 10, 15, 20। अब आईफोन 11 प्रो मैक्स को देखिए, प्रो को देखिए, बल्कि आप 3.5 लाख इतने में, तो आप सोचें 3.5 लाख में आप कहाँ कहाँ घूम फिर रहे हैं। अब देखिए ना, सारे वही कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन है, देखो ये देखें मेरे पास आईफोन है, मैं सबसे अमीर बंदा हूँ, मैं सबसे। अभी ना मैं बताता हूँ आपको, मैं ना अभी परसों गया, सही में परसों में ना उधर गया, एक यानी हम गए थे यानी न्यू मार्केट है ना, उधर मैं गया, उधर वहाँ पर एक मुझे हम मम्मा ने कहा कि आओ खा लेते हैं कुछ, तो उसमें क्या हुआ कि मैं ना, मैंने कहा मम्मा नहीं मैंने नहीं खाना, मैं खाऊँगा क्या कहते हैं उसको, हाँ जी दही भल्ले। मम्मा फ्रूट चाट कह रही थी ना एक बार, मैंने कहा दही भल्ले। मैं जैसे ही दुकान में गया, मम्मा को कहा मम्मा आप इधर खड़ी हो, मैं गया आईफोन प्रो मैक्स बात कर रहे हैं, मैंने कहा अंकल आप मुझे कल से अपने पास रख लें, यानी मम्मा भी खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे मैं मम्मा को लेके गया अंदर। मम्मा इतनी सैलरी, हालांकि दही भल्ले बेच रहा है वो तो, इतनी सैलरी 3 लाख रुपए। बस बेटा, लोग अपने शौक पूरे करते हैं, दही भल्ले बेचते नहीं। मुझे आप बताएं, मैं ना कर लूँ एक रेडी खोल लूँ, दही भल्ले दही भल्ले दही भल्ले, कितना मुनाफा होगा जब मुझे बताए ना। नहीं ना बेटा, आप दही भल्ले नहीं खोले, दही भल्ले दही भल्ले, आपके तालीम तालीम तालीम, ताकि आप 3 लाख से ज्यादा कई 3 लाख रुपए कमाए। आप देखे ना, दही भल्ले वाला 3 लाख का मोबाइल रख सकता, जब आप पढ़ने के काबिल हो जाएंगे तो आप पता नहीं कितना मोबाइल रख लेंगे। को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो घुसते हैं ना, फ्री आईफोन प्रो मैक्स मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, नंबर डालो ईमेल डालो, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ उसकी हकीकत ये है कि वो आपसे एक क्लैश रॉयल ऐप डाउनलोड करवाते हैं या VPN, जिसके पैसे जो है ना 1 से 2 से पता नहीं कितने लाख रुपए, वो जो जिसने डाउनलोड कराई होती है ना उससे मिलते हैं, जो ऐप जिन लोगों ने ऐप बनाई होती है ना वो देते हैं वेबसाइट को, तो आप देखें कितनी तरक्की है। लेकिन ये फेक तरीका है, हमें हमेशा अपनी मुस्लिम, हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए,
दिया है कि हम नात पढ़ें, हम नात को अच्छे से सुने। बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है, आपको वैसे दुनिया में मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी जी आप जवाब देंगी? जी तुम। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ? जी कौन सी जगह पर मिलता है, क्या होता है? दुनिया में जिस जगह का आप सुकून कह रहे हो उस जगह हो सकता मैं ना देखूं। नहीं वो वाली जगह नहीं, घर में मिलता है सबसे ज्यादा सुकून। आपका आंसर यही है? बस मेरे लिहाज से सही है, आपके लिहाज से सही नहीं हो सकता। नहीं मैं जो आंसर बोलूंगा ना वो सबके लिहाज से सही है। सुबह नहीं, सुकून की जहाँ तक जगह आपने घर बोला ना। जी घर ठीक है जगह सुकून। आपका आधा आंसर सही है आधा नहीं। अच्छा कैसे? मैं बताता हूँ, अगर हम अपने घर में कुरान को वजू करके पढ़े, एक एक लफ्ज पढ़े तो कितना सुकून मिलता है, दिमाग में ठंडक नहीं आती? आपने ये नहीं कहा बेटा, आपने कहा कि किस जगह। जगह तो जगह तो घर है ना, जगह तो आधा आपने आधा आपका आंसर सही निकला। चलो और जब सजदा करते हैं ना, सजदा करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, ठंडा ठंडा। मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील होता है। देख रहे हैं नाज़रीन, माशाल्लाह ये बच्चा कितनी अच्छी बातें कर रहा है। बातें करने को बहुत बातें हो सकती हैं, मज़ीद हो सकती हैं, मगर हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट तलाल को फिर बुलाएंगे, फिर मज़ीद अच्छी बातें होंगी। अच्छा तलाल बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।